वेलकम बैक दोस्तों, इस मूवी की रिक्वेस्ट करने वाले हैं ये दो भाई साहब, तो इनके लिए एक जबरदस्त लाइक कर दीजिए। द मूवी का नाम है एंटी मैटर। ये मूवी 2016 या 17 में रिलीज हुई और ये एक साइंस फिक्शन मिस्ट्री मूवी है जिसके डायरेक्टर है कियर ब्रोस और लीडिंग कास्ट है यहिजा फिगोरा, टॉम बार्बर डफी, फिलिपा कैरसन। तो दोस्तों वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए क्योंकि ये मूवी फिजिक्स पर बेस्ड है और डायरेक्टर भाई साहब ने इस मूवी के थ्रू एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया है, यानी साइंस फिक्शन में थोड़ा बहुत मिस्ट्री ऐड किया है। इससे ये मूवी थोड़ा बहुत मुझे इंटरेस्टिंग लगी और मूवी का कॉन्सेप्ट भी मुझे बेहद पसंद आया और डायरेक्टर भाई साहब ने बहुत आसानी से मूवी का एक्सप्लेनेशन भी दिया है। तो दोस्तों एज यूजुअल की तरह पहले इस टाइटल को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए एंटी मैटर, ये जानने से पहले आपको मैटर क्या है ये जानना होगा और इस मूवी के हिसाब से मैटर क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सुनिए, जो भी चीजें हम देख सकते हैं या उन चीजों को हम छू सकते हैं वो सारे सब कुछ अंडर मैटर के नीचे आते हैं। आप कोई भी चीज ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमारी बॉडी, और एक मैटर को मास होना जरूरी है और हर एक मैटर में एटम्स मौजूद होते हैं और उन एटम्स में फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स पता नहीं क्या क्या घुस के बैठे होते हैं। तो खैर इसी सेम ऑपोजिट की तरह एंटी मैटर है। तो मूवी की शुरुआत में ही हमको एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है एना और ये सीन प्रेजेंट का है जहाँ पर एना अपना ही म्यूजिक, यानी जब वो बचपन में उसकी माँ ने सिखाया था वो म्यूजिक टेप रिकॉर्ड में सुनती हुई रोती रहती है, यानी पुराने यादों को याद करते हुए एना रोती रहती है और बैम सीन यहाँ पर कट होता है। तो दूसरे सीन में फिर एना को दिखाया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि एना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपना PhD कर रही होती है और वो भी केमिकल इंजीनियरिंग में, और उसी में एना अपना एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर रही होती है इलेक्ट्रॉन्स को लेकर। और जो भी साइंटिस्ट अपना कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है तो वो ऑडियो फॉर्मेट या वीडियो फॉर्मेट में रिकॉर्ड करता रहता है ताकि इन द फ्यूचर वो उन वैल्यूज को याद रखे या तो फिर दुनिया को दिखा सके। तो सेम उसी तरह एना इलेक्ट्रॉन्स को लेकर अपना एक्सपेरिमेंट कर रही होती है, यानी इलेक्ट्रॉन एक एटम का पार्टिकल होता है। तो उसी तरह नेथन नाम का एक लड़का भी एना के साथ इसी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहा होता है। तो एना नेथन को अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाती है कि इलेक्ट्रॉन फिर से गायब हो चुका है। तो नेथन कहता है ऐसे कैसे वैनिश हो सकता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर एना का एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा लेकिन एना को ये समझ में नहीं आ रहा कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर वैनिश हो रहे हैं। तो नेथन एना को एटम पर एक्सपेरिमेंट करने को सजेशन करता है। तो उसी तरह एना अपने मिशनरीज को रेडी करती है, यानी एटम को डिसअपीयर करने की। तो जब एना एटम पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है तो लो पावर और लो कंप्यूटेशन की वजह से वहां पर शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो उसी तरह नेथन और कुछ कंप्यूटर्स लाता है, यानी कॉलेज से, और टेस्टिंग के लिए बिल्ड करने लगता है। और चूंकि इनके पास थोड़े बहुत रिसोर्सेस है उसी लिए एना एक मॉलिक्यूल पर अपना एक्सपेरिमेंट करना चाहती है, यानी मॉलिक्यूल्स में बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं। तो उसी में एना को ये जानना होता है कि मॉलिक्यूल कहाँ पे जा रहा है। एक चीज ऐसे नहीं गायब हो सकती, वो कहीं पर जा रही है। तो उसी को ट्रेस करने के लिए एना एक और स्टूडेंट की मदद लेती है, इसका नाम है लिव। यानी ये चाहती है कि एना के एल्गोरिथम को और थोड़ा एक्सप्लोर करके उन मॉलिक्यूल्स यानी उन एटम्स को ट्रेस कर सके। जब एना ये सारा सब कुछ लिव को बताती है तो लिव हैकिंग करने का सजेशन देती है, यानी यूनिवर्सिटी के सारे कंप्यूटर्स सारे नेटवर्क को हैक कर सके। यानी इनके पास दो चार जो कंप्यूटर्स है जो नेटवर्क्स है इससे काम नहीं चलेगा एक मॉलिक्यूल को ट्रेस करने के लिए। इसके लिए बहुत सारा रिसोर्स चाहिए होता है, बहुत सारा नेटवर्क्स चाहिए होता है। इसीलिए लिव एना को ये सजेशन देती है लेकिन नेथ कहता है ये तो इलीगल है। तो एना कहती है थोड़े वक्त के लिए हम उन रिसोर्सेस को यूज कर सकते हैं और जब हमारा प्रोजेक्ट डेमो के लिए रेडी हो जाएगा तब हम दुनिया को दिखाएंगे और हम फंड हासिल करके अपना खुद एक रिसोर्स मेंटेन कर सकते हैं। तो उसके लिए वो तीनों भी मान जाते हैं। उसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बाहर कुछ लोग एनिमल टेस्टिंग पर प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, यानी उनका मानना ये है साइंटिस्टों के टेस्टिंग के लिए एनिमल्स को मारना इलीगल है। तो यहाँ पर लैब में यूनिवर्सिटी का सारा नेटवर्क हैक कर चुकी होती है और एना एक और एक्सपेरिमेंट के लिए रेडी होती है। तो सेम उसी तरह एना एक मॉलिक्यूल में एक मैटर को डालती है और अपना एल्गोरिथम रन करती है तो बैम वो मैटर गायब हो जाता है। यानी एना पहले इलेक्ट्रॉन्स को ही गायब करती थी और इसका एक्सपेरिमेंट मैटर पर भी अप्लाई हो रहा है। यानी यहाँ पर मैं आपको सिंपल से बता दूं कि एना चीजों को गायब करती रहती है उसी पर ही ये एक्सपेरिमेंट करती रहती है। उसके बाद एना अपना एक्सपेरिमेंट एक मार्बल पर ट्राई करती है और उसके एल्गोरिथम से वो मार्बल भी वैनिश हो जाता है। यहाँ पर इनको ये समझ में नहीं आता कि आखिरकार चीजें जा कहाँ रही है। उसके बाद लिव एना को ये सजेस्ट करती है कि चीजों को गायब करने के बदले हम एक चीज को वन पॉइंट टू दूसरी पॉइंट मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ XYZ एक्सिस से।
तो उसी तरह एना अपना एल्गोरिथम चेंज करती है और एक रूबिक क्यूब पर अपना एक्सपेरिमेंट ट्राई करने की कोशिश करती है। तो बैम, वो लोग कामयाब भी हो जाते हैं, यानी वो रूबिक क्यूब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल होता है, यानी टेलीपोर्टेशन। सिंपल से आपको मैं ये बात बता दूं कि ये एक सिंपल सा वार्म होल बना रहे है, तो मैं इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना चाहता। वार्म होल ट्रैवलिंग डिस्टेंस को कम करता है फ्रॉम ए पॉइंट टू बी पॉइंट, और ये लाइट स्पीड से भी बहुत फास्ट है। तो इसी चीज को इन लोगों ने अचीव कर लिया है। तो आना यही पर बस नहीं होती, इनका एक्सपेरिमेंट लिविंग थिंग्स पर टेस्टिंग करना होता है। तो उसी तरह वो लोग पहले प्लांट्स पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं और वो भी कामयाब रहता है। वो होने के बाद एना और नेथन ये दोनों डिनर करने जाते हैं और थोड़ा बहुत रोमांटिक बातें होती है। तो डायरेक्टर ने यहाँ पर एना और नेथन की केमिस्ट्री को दिखाया है बस। और थोड़े ही दिनों में लिव एक स्टेबल वार्म होल को क्रिएट करती है। उसके बाद लिव एना को थोड़ी दूर खड़े रहने को कहती है और लिव उस वार्म होल में एक छोटा सा कॉइन डालती है और झटके से वो कॉइन एना के सिर पे आके गिरता है। वो होने के बाद ये लोग चीजें ट्रांसपोर्टिंग के बारे में डिस्कस करते हैं, यानी इस वार्म होल से चीजों का ट्रांसपोर्टेशन में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम सेव कर सकते हैं, यानी कोई भी चीजें एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट सेंड कर सकते हैं, और इवन दो हम चांद या मार्स पर भी झटके में जा सकते हैं। बात तो इंटरेस्टिंग है भाई, यानी आप जरा सोचिए, झटके में आप एक जगह से दूसरी जगह जंप करोगे जैसा तोर 2 में होता था। उसके बाद ये लोग रियल लिविंग थिंग पर ये एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी एक छोटे से कीड़े पर, तो वो एक्सपेरिमेंट उस पर भी कामयाब रहता है। तो उसी तरह वो लोग बिल्ली और चूहों पर भी ये एक्सपेरिमेंट करते हैं और उन जानवरों का डीएनए सही सलामत भी होता है। तो इसी तरह ये एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इनको कुछ फंड्स जरूरी होता है, यानी कुछ पैसे जरूरी होते हैं। उसके लिए नेथन अपने फादर से कुछ पैसे लेता है और लीव भी अपने ग्रैंडमदर के घर जाकर कुछ पैसे लेती है। वहीं पर एना एक पुरानी गन देखती है जो लीव की ग्रैंडफादर की होती है, कि तभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक न्यूज आती है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सारे नेटवर्क्स को बंद कर दे, यानी इसका मतलब है जो भी ये लोग हैकिंग करके वो कंप्यूटेशन वर्क कर रहे थे वो भी सारा सब कुछ चला जाएगा। तो इनके पास कम टाइम था जो बड़ा एक्सपेरिमेंट करने का, यानी इनके पास सिर्फ एक दिन का वक्त है। तो ये तीनों डिसाइड करते हैं कि तीनों में से कोई एक उस वार्म होल से गुजरेगा। तो ऑफ कोर्स उसमें एना का नंबर आता है और एना इसके लिए रेडी भी हो जाती है, यानी जंपिंग के लिए, और लीव अपने एल्गोरिथम्स करते रहती है। तो उसी में नेथन एना के लिए प्यार जताता है, यानी उसे किस करके, और वो कंप्यूटेशन रन करने के बाद बैम एना वैनिश हो जाती है। उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक होने लगती है और कुछ चीखें सुनाई देते हैं। ये क्या है आपको आगे पता चलेगा। उसके बाद एना अपने बेड से उठती है, तो वहां से एना अपने यूनिवर्सिटी यानी अपने लैब जा रही होती है। तो बीच में जेम्स नाम का एक शख्स उसको रोक लेता है, यानी ये इंसान वही है जो यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है, यानी अपनी टेस्टिंग के लिए एनिमल्स को मत मारो। तो एना जेम्स को भाव नहीं देती, वो वहां से निकल जाती है। उसके बाद एना अपने लैब में लिव और नेट को पाती है, जहां पर वो दोनों एना को कहते हैं हम कंप्यूटेशन की कैपेसिटी की कमी की वजह से ये टेस्टिंग को रोकना पड़ रहा है, तो सुन फिर हम ऑटम्स पर टेस्टिंग करेंगे। लेकिन ये सारी बातें एना को याद भी नहीं रहती, यानी ये दिन चंद दिनों बाद का है जहाँ से एना वैनिश हुई थी उसके कुछ दिन बाद। तो वहाँ से एना जब बाहर आती है तो अपने माम को कॉल करती है, तो उसकी माँ अपना घर शिफ्ट कर रही होती है, जहाँ पर एना की माँ एना को कहती है तुम्हारे कुछ फोटोज है उसका क्या करूँ। तो एना कहती है उन सारों को फेंक दो या चैरिटी में दे दो माँ। उसके बाद जब एना अपने घर जाती है तो उसका दरवाजा खुला हुआ होता है और उसके घर के सामान इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। उसके बाद उसी घर में एना को एक मंकी मास वाला इंसान नजर आता है जो इसके सामान ले जा रहा होता है। तो एना उसे रोकने की कोशिश करती है, उसे रिक्वेस्ट करती है प्लीज मेरे सामान मुझे दे दो, इसमें जो सामान है वो तुम्हारे यूज के नहीं है, प्लीज मुझे दे दो। लेकिन वो मंकी मास वाला इंसान वो बैग लेकर भागने लगता है। यहाँ पर इन दोनों के बीच चेजिंग होती है और अनलकीली वो मंकी मास वाला इंसान एना को सीढ़ियों से नीचे गिरा देता है और एना बेहोश गिर जाती है। तो थोड़ी देर बाद एना को होश आता है, वो अपने घर जाती है। घर जाने के बाद एना अपनी माम को कॉल करती है और जो रॉबरी हुई है उसके बारे में उसकी माँ को बताती है और एना की माँ एना को दिलासा देती है। और उसी में एना अपनी माँ को कहती है जो मेरे पुराने फोटोज थे वो भी चले गए है। तो उसी तरह अपने माँ के कहने पर एना पुलिस को ये सारा सब कुछ फोन में बताती है। उसके बाद एना लैब को आती है और ये सारा सब कुछ नेट को बताती है, लेकिन नेत वो रॉबरी सुनकर कुछ ज्यादा
रिएक्ट नहीं होता। और उसी में आना ये कहती है, एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे कुछ चीजें याद ही नहीं है, पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ, लेकिन मेरे साथ जरूर कुछ हुआ है, इसी की वजह से मैं सारी चीजें भूलती जा रही हूँ। तो नेथन आना को कहता है, कुछ भी नहीं चेंज हुआ, बस तुम रेस्ट करते जाओ, सारा सब कुछ वही ठीक हो जाएगा। ऐसा कहते हुए वो टॉपिक चेंज कर देता है। तो दूसरे दिन इन लोगों को एक मेल आता है, जहाँ पर यूनिवर्सिटी इन स्टूडेंट्स को बताने लगती है कि जो साइबर हैकिंग हुआ था उस पर यूनिवर्सिटी ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। तो वो मेल पढ़कर ये तीनों लोग थोड़ा बहुत घबरा जाते हैं, यानी ये हैकिंग साइबर टेररिज्म के नीचे आता है, इसके लिए इन लोगों को जेल भी हो सकती है। चूँकि आना अपनी यादें भूलती रहती है, इसीलिए आना ने एक नोटबुक रखा और उस नोटबुक में जो भी डे की चीजें हैं वो सारा सब कुछ नोट करती रहती है। उसके बाद आना अपना ब्लड सैंपल स्टोर करती है ताकि वो फिर से डॉक्टर्स को दिखाए कि उसके साथ हुआ क्या है। तो आना जब वो ब्लड सैंपल स्टोर रूम में रखने जा रही होती है तो वो स्टोर रूम का दरवाजा बंद होता है। तो यही चीज नेत को पूछती है, आखिरकार ये बंद क्यों है, ये कभी भी बंद नहीं हुआ था। उसी में फिर नेत उस टॉपिक को चेंज कर देता है, आना के हाथ से उसके ब्लड के सैंपल्स अपने पास ले लेता है। और जब आना बाहर चली जाती है तब नेत उन ब्लड सैंपल्स को डस्टबिन में फेंक देता है। तो जब आना यूनिवर्सिटी से बाहर आती है तो वहाँ पर बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तो उसी में आना एक मंकी मास्क इंसान को देखती है। तो आना समझती है शायद यही होगा, मेरी सारी चीजें चुराया होगा। लेकिन ऐसे मास्क वाले वो सिर्फ एक नहीं, दूसरे लोग भी पहने हुए होते हैं। तो उसी तरह जेम्स आना के पास आता है और उससे पूछता है कि आखिरकार लैब में क्या हो रहा है। तो आना जेम्स से कहती है, हम हमारे एक्सपेरिमेंट में एनिमल्स को नहीं यूज करते। ऐसा कहने के बाद आना वहाँ से चली जाती है। तो उसी में आना ये इमेजिन करती है कि वो मास्क वाला इंसान जेम्स हो सकता है। तो उसी दिन रात आना चोरी चुपके लैब जाती है, यानी मेन दरवाजे से नहीं पाइप्स चढ़कर। यानी आना अपने आप में इन्वेस्टिगेशन करती रहती है कि आखिरकार वो मास्क वाला इंसान कौन है। तो वहाँ जाने के बाद आना उस स्टोर रूम को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बंद पड़ा होता है। तो वहीं पर आना अपना वेट मशीन देखती है जो पावर जनरेटर से कनेक्टेड में रहता है। वो देखने के बाद आना शॉक में रह जाती है, आखिरकार मेरी वेट मशीन यहाँ पर क्या कर रही है और मैंने इसको कब लाया। कि तभी नेथन का कॉल आता है और आना से कहता है, क्या हम डिनर में मिल सकते हैं, और ये बात तुम अपने नोटबुक में लिख के रख लो ताकि तुम भूल ना पाओ। तो आना नेथन को यस कहती है, हाँ मैं जरूर आऊंगी। उसके बाद सुबह होती है और जो सारा सब कुछ अपने ख्वाब में देखती थी वो सारा सब कुछ अपने नोटबुक में लिखती रहती है। यानी आना को बीच बीच में कुछ फ्लैशेस नजर आते रहते हैं, कुछ अजीब सी चीजें जो रिलेटेड ही नहीं थे। तो उसी तरह आना नेथन के साथ डिनर के लिए जाती है और वहाँ पर जाने के बाद नेथन से पूछती है, आखिरकार मेरे साथ क्या हो रहा है। तो फिर नेथन आना को उसके बारे में कुछ भी नहीं कहता। तो नेथन कहता है, तुमने जो सैंपल्स दिए थे मैंने वो सैंपल्स टेस्टिंग के लिए भेज दिया है, यानी MRI स्कैनिंग के लिए। तो उसी में नेथन आना को ये झूठ कह देता है कि जब तुम नीचे गिरी थी उसकी वजह से तुम अपनी याददाश्त भूलती जा रही हो। लेकिन आना का कहना था, मेरी याददाश्त का कारण वो नहीं है, मेरे याददाश्त का कारण हमारा एक्सपेरिमेंट है। तो आना का मानना ये था उसकी याददाश्त का कारण वो वामहोली है। तो यहाँ पर नेत आना को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि तुम जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप कर दो, ऑलरेडी हमारी यूनिवर्सिटी में एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है और तुम्हारी वजह से हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। सो प्लीज मुझ पे भरोसा करो और तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन स्टॉप करो, कि ये बात तुम अपने नोट में लिख के रख लो ताकि तुम फिर भूल ना पाओ। तो आना कहती है, अगर मैं तुम पर भरोसा करूं तो तुम मुझे किस करो। लेकिन यहां पर नेत आना को किस नहीं करता। तो दूसरे दिन आना लैब जाती है, वहां जाने के बाद नेथन से अपना कैम कॉर्डर पूछती है। यानी आना जब एक्सपेरिमेंट कर रही थी तो वो रिकॉर्ड कर रही थी, उसी रिकॉर्डर के बारे में नेत से पूछती है। तो नेत कहता है, वो मेरे घर में है, यानी उसमें जो वीडियोस है उसको कॉपी करने के लिए मैं अपने घर ले गया ताकि बैकअप के तौर पर रख सके। तभी एक लड़की आकर इन तीनों को एक मीटिंग ज्वाइन करने के लिए कहती है, यानी वो मीटिंग साइबर क्राइम पर बेस्ड होती है, जहां पर स्टूडेंट्स को बताया जाता है उस साइबर अटैक से मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स को हैक कर दिया गया था और ये चीज किसने किया और क्यों किया, इसको ही इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यूनिवर्सिटी ने साइबर इन्वेस्टिगेटर को हायर किया है। और इस इन्वेस्टिगेशन को लीड करने वाला स्टीविंगटन है, यानी ये आदमी जो हर एक स्टूडेंट से पूछताछ करने वाला है। उसके बाद ये तीनों डिस्कस करते रहते हैं कैसे हम उस इन्वेस्टिगेशन से बचे। उसी डिस्कशन में आना नेत और लिव पर चिल्लाने लगती है कि उसका वर्क तुम लोगों ने चुरा लिया है। लेकिन नेत आना को समझाता है कि वो सारा प्रोजेक्ट तुम्हारे नाम पर ही है। तो उसी बातों ही बातों में आना उन दोनों से कहती
लेती है। टेलीपोर्टेशन के दौरान मेरे साथ कुछ हुआ, यानी मैं मैटर हूँ, मैं सही सलामत ट्रैवल कर चुकी हूँ, लेकिन क्या मेरा सोल पीछे रह गया? इसीलिए मैं सारा सब कुछ याद नहीं कर पाती। तो ये सारा सुनने के बाद इन दोनों को भी कुछ समझ में नहीं आता और नेत आना से कहता है तुम जाके रेस्ट लो पहले। तो बाहर आने के बाद आना अपनी मॉम से कॉल करती है। तो उसकी माँ आना से कहती है वाव दो बार तुमने मुझे कॉल किया, दैट्स ग्रेट। तो उसी में आना की माँ आना से कहती है कौन अपनी माँ से बात करने के लिए पासवर्ड मांगता है? तुम्ही ने मुझे सुबह में कॉल करके एक पासवर्ड यानी एक वर्ड बताया था और तुम्ही ने कहा जब तक ये वर्ड ना बोलो तब तक मेरे से बात मत करो, क्या तुम ठीक हो? क्या आना तुम ही बात कर रही हो? ये सुनने के बाद आना को थोड़ा वेट से लगता है कौन अपनी माँ से बात करने के लिए पासवर्ड रखता है, कि तभी झटके से आना की माँ फोन काट देती है। उसके बाद आना अपना जो ब्रेन डैमेज हुआ है उसके बारे में किताबें पढ़ती रहती है, उसके बारे में रिसर्च करने लगती है। वहीं लाइब्रेरी में आना नेत समझकर एक लड़की को आवाज लगाती है, ऑफ कोर्स वो नेत नहीं होता और लकीली वो लड़की एक न्यूरोलॉजिस्ट स्टूडेंट होती है। तो उसी में आना और ये लड़की के बीच ब्रेन के बारे में थोड़ा डिस्कशन होता है। तो आना उस लड़की से पूछती है क्या ह्यूमन के मेमोरीज को भी वेट नाम की एक चीज होती है? अगर क्या हुआ इंसान के दिमाग से सारी यादें सारे मेमोरीज मिटा दिया जाए क्या वो वेटलेस हो जाएगा? तो इसी डिस्कशन में आना को ये पता चलता है हमारे मेमोरीज एक बंच ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। फॉर एग्जांपल जब आप एम्प्टी बैटरी और फुल बैटरी को दोनों को भी तोड़ोगे तो दोनों का वेट सेम ही होगा, यानी बैटरी सिर्फ चार्ज होती है। तो उसी तरह हमारे ब्रेन्स भी है, तो मेमोरीज का कोई वजन नहीं होता, सिर्फ वो एम्प्टी या फुल होते है। तो उसके बाद आना का ये मानना था कि उसकी सोने की वजह से उसकी मेमोरीज मिटते जा रही है, इसीलिए उस दिन रात आना जागती रहती है, यानी पूरी रात जागती रहती है ये देखने के लिए उसके साथ आखिरकार क्या हो रहा है। तो उसे ही याद रखने के लिए आना ये लिख के रखती है स्टे अवेक, यानी आना गजनी समझिए आप। तो दूसरे दिन आना जब लैब आती है तब मेंटेनेंस आदमी से उस स्टोरूम का दरवाजा ओपन करने के लिए कहती है। तो वो आदमी आना से कहता है मैंने इससे पहले तुमको इसकी की दी हुई है। वो देखने के बाद लिव आना पर चिल्लाने लगती है और आना गुस्से से बाहर निकल जाती है। तो आना जब बाहर आती है तो स्टोविंगटन उसको क्वेश्चंस पूछने के लिए एक कमरे में ले जाता है और आना से सच उगलवाने की कोशिश करता है और आना भी अपनी स्मार्टनेस दिखाती है और उस इन्वेस्टिगेटर से कहती है मैं एक केमिस्ट हूँ ना ही के प्रोग्रामर जो कंप्यूटर्स को हैक करे। ऐसा कहने के बाद आना वहाँ से चली जाती है। वहाँ से आना जब यूनिवर्सिटी आती है तब वहाँ पर जेम्स और उसकी गैंग के कुछ लोग आना पर टीजिंग करने लगते हैं, यानी इसको चिढ़ाने लगते हैं कि एनिमल को मारने वाली इंसान है, और आना किसी भी तरह करके वहाँ से बच निकलती है। उसके बाद जब आना रास्ते से जा रही होती है तब नेथन का कॉल आता है। नेथन आना से कहता रहता है कि तुम प्लीज लैब आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्योंकि उसी रास्ते में ही नेथ का घर पड़ता है तो आना नेथ के घर में चोरी छुपके घुस जाती है। तो एंटर होने के बाद आना नेथ का बेड देखती है और ये इमेजिन करती रहती है कि नेथ और लिव ये दोनों इसी बेड पे सोए हुए थे, तो यहाँ पर हालांकि ऐसा नहीं था। तो उसके बाद आना नेथ के लैपटॉप में अपने एक्सपेरिमेंट के वीडियोस देखने लगती है, यानी उस दिन का एक्सपेरिमेंट। तो आना उस वीडियो को गौर से देखने लगती है और उस वीडियो को 120 FPS में प्ले करती रहती है। तब उसको उस वीडियो में दो आना नजर आते है, यानी एक आना एंड पॉइंट पे होती है और दूसरी आना स्टार्टिंग पॉइंट पे होती है। कि तभी नेत अपने घर आता है और आना नेत को इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछती है। तो नेत आना से कहता है हमने तुमको इसके बारे में कई मर्तबा डिस्कस किया है लेकिन तुम बार बार भूलती जा रही हो। उसी में नेत आना को लैब आने को फोर्स करता है। तो उसी में आना नेतन पर गन पॉइंट आउट करके पूछती है कि तुम कैसे जानते हो कि मैं यहाँ पर हूँ और क्यों तुम मुझे क्लियरली नहीं बता रहे हो कि मेरे साथ हुआ क्या है? मैं चीजें भूलती जा रही हूँ, ना मैं खा पाती हूँ ना मैं पी पाती हूँ, आखिरकार मेरे साथ क्या हुआ है? तो उसी हड़बड़ाही में गलती से नेतन पर गोली लग जाती है, यानी उसके नेक पर, लेकिन वो ज्यादा जख्मी नहीं होता। तो उसी तरह थोड़ी देर बाद आना लैब आती है। तो यहाँ आने के बाद बहुत लंबा डिस्कशन होता है, इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ सुनिए। तो आना समझती है कि जब वो ट्रैवल किया था तो उसकी आत्मा कहीं पर गुम हो गई, इसीलिए वो चीजें भूलती जा रही है और उसके माइंड में कई सारे चीजें आते जाते हैं। तो वो दोनों यानी नेत और लिव आना को समझाते हैं
जो तुमने वार्महोल का ट्रैवल किया था वो लाइट से भी फास्टर था। तो पहली बार तो ट्रैवल सक्सेसफुल रहा, तो दूसरी बार हमको कुछ नैनो सेकंड के लिए उस वार्महोल को शट डाउन करना था, इसीलिए हमने तुम्हारा वेटिंग मशीन यूज किया था और उस वेट मशीन को पावर जनरेटर से लिंक किया था। यानी जब भी वहाँ पर मास नहीं होगा, यानी उस वेट मशीन पर वेट नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली वो वार्म होल शट डाउन हो जाएगा। तो इसी चक्कर में हम ग्रेविटी को भूल गए। यानी जब तुमने ट्रैवल किया था तुम्हारा मास दूसरे साइड था और तुम्हारा लाइट वहीं पर रह गया, तो वहाँ पर एना अपने आप को क्लोन समझती है, लेकिन रियलिटी वो नहीं थी। तो उसी में नेत एना को वो वीडियो कम्प्लीट दिखाने लगता है जहाँ पर एना एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट ट्रैवल हुई थी, लेकिन जो एना का लाइट था वो वहीं पर रह गया और एना लाइट वहां पर बेहोश गिर गई। यानी एना मैटर कुछ और है और एना लाइट कुछ और है। यानी आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो हम एना को देख रहे थे वो एना लाइट थी, एना मैटर तो कोई और थी। तो उसी में एना लाइट नेथन और ली से कहती है, मेरे पास इमोशंस है, मैं फील कर रही हूँ, देखो मुझे खून भी निकल रहा है, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं लाइट हूँ। तो नेथन उसे समझाता है, वो तुम्हारे इमोशंस नहीं है, वो तुम्हारे मेमोरीज नहीं है, वो तो एना मैटर से आए हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये रिवील होता है, एना मैटर ही वो मास्क वाला इंसान था जो एना लाइट की चीजें चुराकर भाग रही थी। तो उसके बाद असली एना सामने आती है, यानी एना मैटर। तो लिव एना लाइट को समझाने लगती है कि यही असली एना है और तुम फेक हो, यानी तुम एक लाइट हो। लेकिन फिर भी एना लाइट इन बातों पर यकीन नहीं करती। तो उसी में एना मैटर एना लाइट को समझाने लगती है कि मुझे भूख लगती है, मैं खा सकती हूँ, मैं पी सकती हूँ, मैं सो सकती हूँ, और ये सारी चीजें तुम नहीं कर सकती। और जब मैंने ट्रैवल किया था तो मुझे एक खालीपन सा लगने लगा, यानी मेरे अंदर तुम नहीं थी और जो तुम्हारे अंदर मेमोरीज है वो सारे मेरे है, तुम जहाँ पर भी जाओ और तुम कुछ भी करो मुझे पता चल जाता है। और नेत लिव के साथ नहीं था, नेत के साथ मैं थी जो बार बार तुमको वही फ्लैशेस आ रहे थे। उसके बाद वो लोग एना लाइट से कहते हैं, हम लोग उस एल्गोरिथम को रीराइट किया है और तुमको उस मशीन से गुजरना पड़ेगा। इन ए सिंपल वे वो लोग एना लाइट को मारना चाहते हैं। और ये बात एना लाइट भी समझती है, लेकिन वो लोग फिर एना लाइट को समझाते हैं, इट्स नॉट किलिंग, इट्स लाइक डिसअपीयरिंग, जस्ट वैनिश हो जाना, और इसी से एना मैटर कंप्लीट होगी। तो इतना समझाने के बावजूद भी एना लाइट यही कहती है कि मैं रियल हूँ, तुम झूठी हो। तो खैर बहुत सारी बहस के बाद और एना लाइट का ब्लड सैंपल चेक करने के बाद ये पता चलता है कि एना लाइट लाइट ही है। कि तभी एना लाइट को उसकी माँ का कॉल आता है जहाँ पर एना की माँ ने एना को एक कैसेट पार्सल की हुई होती है। ये सीन वही है जब मूवी के स्टार्टिंग में दिखा गया था। तो सेम यहाँ पर एना उसके बचपन का म्यूजिक सुनती है और लास्ट बार अपनी माँ से इमोशनली बात करती है। उसके बाद एना लाइट टेलीपोर्ट के लिए रेडी होती है और सारे लोगों से गुड बाय कहती है। उसी में नेत से भी मिलती है, नेत उसको किस करने की कोशिश करता है लेकिन एना लाइट उसको रोक देती है क्योंकि वो असली एना नहीं है। तो उसी तरह वो लोग एना लाइट को वैनिश कर देते हैं, यानी एना लाइट गायब हो जाती है। तो उसके बाद यहाँ पर इन तीनों का डिस्कशन होता रहता है कि प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करें या ना करें। तो एना कहती है, हम क्यों इस प्रोजेक्ट को स्टॉप करें, हम कंटिन्यू करते हैं, हम नहीं तो कोई और स्टार्ट करेगा, इससे बेहतर है कि हम ही इस एक्सपेरिमेंट को कंटिन्यू करें। तो थोड़ा डिस्कशन के बाद वो लोग ये कंक्लूड करते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट को और थोड़ा आगे ले जाएंगे। वो होने के बाद हमको ये सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कैटरपिल बटरफ्लाई बन रहा होता है और यहाँ पर ये मूवी दी एंड होती है। तो अब आते हैं इसके एंडिंग की तरफ। तो जब एना वार्महोल से गुजरी थी वो टू पार्ट्स में डिवाइड हुई, एक था मैटर और एक थी लाइट। तो उन दोनों को देखने के बाद नेत और लिव ये दोनों कंफ्यूजन में थे, कौन असली है और कौन नकली। तो कुछ समय बाद ही उनको ये पता चलता है कि एना मैटर असली है क्योंकि उसे भूख लगती है, उसका मास है और उसके मेमोरीज है। यहाँ पर मैंने कहा मास, आप ये याद रखिए, मैंने ऑलरेडी कहा था जिस चीज का मास है उसे मैटर कहते हैं और जिस चीज का मास नहीं उसे एंटी मैटर कहते हैं। और एंटी मैटर के नीचे क्या आते हैं, लाइट, वेव और एयर। और जब एना उस वार्महोल से ट्रैवल किया था तो एना उतना फास्ट ट्रैवल किया था, इतना फास्ट ट्रैवल किया था वो लाइट स्पीड से भी फास्ट ट्रैवल किया था, इसीलिए एना की बॉडी यहाँ पर आ गई और एना की लाइट वहीं पर ही रह गई। तो इसीलिए इन दोनों के मेमोरीज एक ही जैसे थे। तो एना मैटर के अंदर कुछ खालीपन तो जरूर था, उसे कम्प्लीट करने के लिए इन लोगों को एना लाइट को डिस्ट्रॉय करना था, यानी उसकी प्लेस जहाँ पर थी वहाँ पर भेजने की कोशिश करते थे।
है, तो वही उन्होंने लास्ट में किया है, एनालाइट को वैनिश कर दिया, यानी वो जहाँ की रहने वाली थी वहाँ पर चली गई, लेकिन पता नहीं कहाँ गई। और यहाँ पर मैं एक और बात बता दूं कि एना मैटर और एनालाइट इन दोनों की वजह से ही एना है, यानी एना के अंदर मैटर नहीं होगा तो एना इनकम्प्लीट होगी, और उसी तरह एना के अंदर लाइट नहीं होगा तो भी एना इनकम्प्लीट होगी। तो उसे कम्प्लीट करने के लिए मैटर भी चाहिए और लाइट भी चाहिए, और मेरा मानना है एना मैटर उसके लाइट के बिना ही अपनी जिंदगी गुजार रही है। तो दोस्तों ये थी आज की मूवी, इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, कोई टॉपिक्स हो, मुझे कमेंट करके बताना जरूर, और इसके बारे में आप कमेंट में डिस्कशन भी कर सकते हो, यानी कुछ मैंने मिस कर दिया हो तो मैं आपको बता दूंगा।